नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। इनका परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है। इन्होंने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्बर्ग से, फिर वहाँ पढ़ाया भी है। इन्होंने रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल मार्केट पर बुक भी लिखी है। आजकल ये एक और किताब लिख रहे हैं, लॉ के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIUL गोवा में। अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वाणी और विचारों के बहुत धनी हैं और इनके विचारों की बहुत महत्व दिया जाता है। इनका एक गहरा नाता इंदौर से भी है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई इंदौर से करी है। सर, करेक्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राहुल जी। और जब मैं पिछली बार आपके चैनल पे आया था, मेरे ख्याल से मैं आपका पहला गेस्ट था। जी, तब से आपने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। आपके एक दो टॉक्स भी मैंने देखे, काफ़ी गहन होते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। तो मैं मेरे सभी दर्शकों से कहूँगा कि राहुल जी को सपोर्ट करें और उनका साथ दें, उनको सब्सक्राइब करें, उनके उनकी बातों को सुनें। थैंक यू राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, आज जो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यूनाइटेड नेशन का विस्तार चीन नहीं होने देता और उसमें रोड़े अटकाता रहता है, और यूएन एक ग्रुप के रूप में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन नहीं दिखा रहा है। लगता है भारत ने भी इस बार अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदल ली है। एस जयशंकर यूएन को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुना चुके हैं और बहुत मुखरता के साथ बोल चुके हैं। इनफैक्ट वो यूएन में भी यूएन को कई बार बोल चुके हैं। 1 फरवरी को जो बजट आया था, जो इंटरिम बजट आया था भारत का, उसमें एक प्रमुख बात थी जिसे शायद इतनी प्रमुखता से जगह नहीं मिली या उसे उतनी फुटेज नहीं मिली। भारत ने यूनाइटेड नेशन को 382.54 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, यानी लगभग 47 मिलियन डॉलर भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन को देता था। अब इस इंटरिम बजट में ये घोषणा करी है कि वो बजट जो भारत यूनाइटेड नेशन को देता था उसको घटा के अब 175 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है, यानी 21 मिलियन डॉलर कर दिया। लगभग लगभग ये जो कमी है ये 54.25% की कमी है, यानी आधे से भी ज्यादा बजट की कमी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक अलग तरह की टैक्टिक है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि अगर हमें परमानेंट सीट नहीं मिलेगी तो हम आपका बजट भी कम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अगर हमें ये नहीं देंगे तो हम आपका बजट कम करेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बट यस, ये है कि अगर आप बहुत पहले भी ना, आप अगर देखें यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री, तो एक केस भी हुआ था। उसमें क्या हुआ कि कई कंट्रीज ने, 1950 के दशक की बात है ये, जब कई कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन कुछ पास होता था जिससे वो सहमत नहीं होते थे। मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई एक्शन लिया, उससे आप सहमत नहीं है, और उसके बाद भी वो रिजोल्यूशन पास हो जाता था और सिक्योरिटी काउंसिल उन एक्शंस को अंडरटेक करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, जब हम पैसा दे रहे हैं और हमारी बात ही नहीं सुनी जाती है, और बल्कि हमारी वोट के अगेंस्ट में जाकर के रिजोल्यूशन आ रहा है, तो फायदा क्या है हमारे पैसे देने का। तो बजट के ऊपर आईसीजे में केस भी आया था। अब वो जी अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग से उतर रहा है, बट जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड कि इस तरीके की बातचीत चलती रही है। तो बिल्कुल, आप जानते हैं कि यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। ये कोई स्टेट की तरह टैक्सिंग पावर नहीं रखता या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह कुछ सामान नहीं बेचता। सो गिवन इन दिस बैकड्रॉप, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बेच सके दुनिया को और उससे फिर रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो इसलिए ये डिपेंडेंट रहते हैं स्टेट्स कंट्रीब्यूशन पे। अब इंडिया का ये कहना है कि भाई, अगर आप उन मुद्दों को, जो मुद्दे हमारे हितकारी नहीं है, और आप उन मुद्दों को प्रेजेंस कर रहे हो या उन मुद्दों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि यूनाइटेड नेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो। अभी आप देखिए, जैसे यूनाइटेड नेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ह्यूमन राइट्स कमिटी के जो वो हैं वोल्कर टुर्क, उन्होंने इंडिया की इलेक्शन के ऊपर लेकर के कमेंट पास कर दिया। सभी कोई जानते हैं कि वो तुर्की से आते हैं और तुर्की का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप सबको पता है, जी ठीक है। बराबर। तो अब इस तरीके का अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, आप एज ए यूएन बॉडी कमेंट कर रहे हो,
सो दैट इज एन अनवेलकमिंग स्टेप और अनवेलकमिंग जेस्चर कि आप इंडियन कंसर्न्स को नहीं ले रहे हो। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने किताब में भी लिखी और ऐसे भी मैं कहता हूँ, जो जो एस जयशंकर साहब ने अभी शायद रायसेना डायलॉग में या किसी और जगह पे उन्होंने ये बात उठाई, जब उन्होंने ये कहा कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बहुत ही दुखी हुए थे, जब हम गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1948 में पाकिस्तान ने एग्रेशन किया था इंडिया, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम यह था कि वो आर्टिकल 39 चैप्टर 7 का जो फर्स्ट आर्टिकल है या चैप्टर 6 में भी वो एक अप्रोप्रिएट मेजर लेते और पाकिस्तान को एज एन एग्रेसर कंट्री पनिश करते। यही था ना भाई, एक देश आपके पास गया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और चूंकि उस समय यूनाइटेड नेशन नया नया था और नेहरू साहब का एक इंटरनेशनलिस्ट विजन था, तो वो अपनी आर्मी पे उतना रिलाई ना करके उन्होंने इस मैटर को यूनाइटेड नेशन के सुपुर्द करने का सोचा, क्योंकि आइडिया यूनाइटेड नेशन यही था एस्टेब्लिश करने का कि अब कोई भी वॉर जो होगा वो स्टेट्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी का मैटर यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मैटर यूनाइटेड नेशन का होगा, और उसमें सिक्योरिटी काउंसिल को ये एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है और कई प्राइमरी ऑर्गन है उनके, ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जो पावर एंड फंक्शन है वो अगर आप आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 39 के साथ पढ़े तो आपको ये समझ में आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू मेंटेन ग्लोबल या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया में इंडिया गया कि भैया पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक किया है, हमने डिफेंस तो कर लिया है आर्टिकल 51 के अंदर में, अब बाकी आप पाकिस्तान को पनिश कीजिए क्योंकि हम इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते, नेचर ऑफ वॉर, जबकि इंडिया शुड हैव कंटिन्यूड विद द वॉर अंटिल द पाकिस्तानीज वर रिपेल्ड आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। आज उनके जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का हो गया, जो हमारे पास हमारा हो गया, ऐसे नहीं होता भाई साहब, आपने उसको हड़पा है लड़ाई करके जबरदस्ती का, उसके बाद आप कह रहे हो कि वो हमारा हो गया, नहीं है वैसा, आपका कभी नहीं होगा, और जब तक एक इंडियन है वो उस टेरिटरी को अपना मानता रहेगा, और हमारे यहाँ तो रिजोल्यूशन भी है। खैर, कमिंग बैक टू यूनाइटेड नेशन, तो अब हम यूएन में गए, हमने कहा कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास कीजिए और उनको बताइए कि ये एक एग्रेसर स्टेट है, दे आर कमिटिंग द क्राइम ऑफ एग्रेशन, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का वायोलेशन कर रहे हैं। वो नहीं किया उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल ने, बल्कि रिजोल्यूशन जो पास किया वो अपनी मैंडेट से, अपनी क्षमता से, अपनी पावर से ज्यादा जाकर के उन्होंने कहा जी इसका जो है जो मैटर एग्रेशन का था उसको एक्सेशन का बना दिया। उन्होंने कहा जब यहाँ पे आप जो है इंडिया पाकिस्तान अपनी सारी फौजें निकालेगा, इंडिया अपनी फौजें रखेगा, उसके बाद प्लेबिसाइट करेगा। अरे भाई क्यों कराएगा प्लेबिसाइट, जब बात खत्म हो गई थी, उन्होंने अटैक किया, हमने उसको मिलिट्रीली जीत दिया, तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि आप प्लेबिसाइट कराओ यार, आप ये आपका आपका पावर क्वेश्चन तो था नहीं, दिस वाज नॉट समथिंग दैट यू शुड हैव इवन स्टेटेड। आपका जॉब क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का आर्टिकल 25 में देखें, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, अब उसमें प्लेबिसाइट करवाओ ये करवाओ, ये आईसीजे का काम होता, अगर होता तो हम इस मैटर को जुडिशियली रिजोल्व करने के लिए आईसीजे के पास ले जाते। लेकिन अब आप अगर ये कह रहे हो कि अब हम आपने अगर कोई और सजेशन देना था तो आप कहते हैं आप आईसीजे में जाके इस मैटर को रिजोल्व कर लीजिए, बट आप इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हो कि भैया आप प्लेबिसाइट करवाओ, ये आप कौन होते हो कहने वाला। उसके बाद उन्होंने एक ओवेंस कमीशन भेजा जो कि हाईकोर्ट के जज थे, ऑस्ट्रेलियन हाईकोर्ट के, उनको भेजा गया, क्यों भेजे थे, यूनाइटेड नेशन इंडिया पाकिस्तान कमीशन बना दिया उन्होंने एमकेप करके कि वो इंडिया में भी कुछ वो कमीशन बैठेगा और पाकिस्तान में भी बैठेगा और ये सब की ये सब उन्होंने ऐसी कर दी जो उनको करना नहीं चाहिए था। उनको ये करना चाहिए था कि पाकिस्तान एक एग्रेसर है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का विलय हो चुका था का इंडिया के उसमें, उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया दैट इज एन एक्ट ऑफ द वायोलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, आप उसको तुरंत अपनी सेना को वापस लीजिए पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर और उससे, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है और इंडिया उसके ऊपर कंट्रोल करेगा और हम उसको इंडिया की टेरिटरी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये होना चाहिए था। आपने उसमें जाके आप प्लेबिसाइट करवाओ तो ये क्यों करवाओ भाई, आप कौन होते हो हमें बताने वाले आप प्लेबिसाइट करवाओ, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा बढ़ के है। अगर हमें ये क्वेश्चन होता है भाई जब हमारा ये 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें ये बात साफ साफ लिख दी गई थी कि भाई जो
इंडिया को डिवाइड करके दो डोमिनियन बनेंगे, एक ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके दो डोमिनियन बनेंगे, एक बनेगा पाकिस्तान एक बनेगा इंडिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन होगा, वो आइधर इंडिया के पास जाएं आइधर पाकिस्तान के पास बराबर। और बेसिकली उनके पास आइधर वाला भी चॉइस नहीं था, अगर सही कंस्ट्रक्शन है तो वो ये बनता है कि वो या तो पाकिस्तान के पास जाए वरना इंडिया तो वो है ही है क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं भी जाते पाकिस्तान के पास तो इफ्सो फैक्टो उनको इंडिया ही बनना था, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इंडिया का पावर किसी मुगल से नहीं लिया था क्योंकि मुगल सल्तनत व्यवस्था ये सब तो खत्म कर दिया था मराठों ने, हिंदू सम्राट की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। 1741 में महाजीत सिंधिया ने जब अपना जब 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हारे उससे क्या नाम है अब्दाली से, उसके बाद 1771 में एक टुकड़ी भेजी गई और उसके बाद जो रोहिल्ला अफगान थे और वो जो बाकी के जो फोर्सेस थे उनको सबक सिखाया गया, वो एरिया वापस से कंट्रोल में ले लिया गया था, टक टक का पूरा इलाका, इंडिया का जो नॉर्थ का जो एक्सपेंशन था वो सिंधियाज के अंडर में कंप्लीट हो गया था, ग्वालियर का जो समय था जो मेन पॉइंट था और पुणे का। तो हिंदी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने किसी मुगल से या किसी उससे पावर नहीं छीना, उन्होंने इंडियन से पावर छीना। तो जब आप पावर छीनोगे तो ट्रांसफर ऑफ पावर जब आप करने जाओगे तो किसको करोगे ट्रांसफर ऑफ पावर, आप इंडियंस को ही करोगे। आप कोई जाकर के क्या अंग्रेजों के पास इतना पावर था कि भाई इंडिया का पावर हमारे पास है लो हम यूनाइटेड स्टेट्स को दे रहे हैं या हम ब्राजील को दे रहे हैं या हम अफ्रीका को, अरे भाई इंडियंस को ही देना था। तो वहां के राजे रजवाड़े भी अपने आप ही जैसे ही आपका सुजैनिटी कोलैप्स हुआ वो भी कोलैप्स होकर इंडिया में ही मिल गए, उनकी कोई लाइफ नहीं बची। और ये कई उस समय के स्कॉलर्स ने लिखा गया और पाकिस्तान के लोगों का ये तक नहीं, तीन राइट है कि इंडिया को ज्वाइन कर देगा प्रिंसली स्टेट या पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा या इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये मतलब कहां से रीडिंग कर ली उन्होंने, कहां से तुम इतने एक से एक यहाँ पे रजवाड़े थे अब इंडिया के बीच में ये क्या नाम है जूनागढ़ इंडिपेंडेंट कंट्री बना दोगे, हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्री बना दोगे, ये पटियाला इंडिया में इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, ये काशी का बनारस का जो था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बनारस कभी मराठी के सल्तनत में रहा, मराठी के कब्जे में रहा, कभी इंडियंस लोकल वहां के जो थे उनके कब्जे में रहा, या आपस में शादी हो गई, जैसे बहुत कम लोग जानते हैं झांसी रानी जो थी वो कहाँ पैदा हुई थी, वो उनकी उनकी पैदाइश बनारस की है जी बराबर। तो पॉइंट ये है कि हमारी देश था ये बाद में हमको ये पढ़ा दिया ये मराठी और ये वो, शिवाजी महाराज ने कोई मराठी साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की, राइट, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की करी थी। तो वो स्वराज्य कह रहे थे उसको, स्वराज्य का मतलब क्या था, हमारा राज्य, हमारा मतलब यहाँ के लोकल लोगों का राज्य, उनकी बात को तुमने वैल्यू नहीं दी। बॉटम लाइन ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ने किया था, ये जो रेजोल्यूशन पास किया था, ये रेजोल्यूशन कतई उचित रेजोल्यूशन नहीं था। This resolution was something that where they have exceeded their jurisdiction, especially the Security Council. What they should have done instead was to recognize that Pakistan is an aggressor and we give them ultimatum to vacate the Indian territory of Jammu and Kashmir with the immediate effect without any failure on this and this date. Failing this duty, then United Nations member will be free to take action against Pakistan. Ye hona chahiye tha. जैसे आप कुवैत पे जब इराक ने चढ़ाई कर दी थी और कुवैत को अपना पांचवा राज्य बना करके अपने अंदर मिलाने की कोशिश की थी, तो उस समय का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया था कि कुवैत में हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। सही, बराबर, बिल्कुल सही। तो ये इस वजह से यूनाइटेड नेशन से हमारी कुछ वो है और बहुत सारे मेजर्स में हम पैसा देते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर आप हमें हमारे जो इंटरेस्ट को आप अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वी हैव टू थिंक, राइट, जी बिल्कुल सही। और इसी से रिलेटेड एक और चीज मेरे दिमाग में आती है, जो भारत बहुत प्रोमिनेंटली कहता आ रहा है और ये आज से नहीं लगभग 25 सालों से कहता आ रहा है कि जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है उसको भी यूनाइटेड नेशन अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया, उसके अंदर मेरा टेररिज्म, तुम्हारा टेररिज्म, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, तो ये सारी चीजों को लेके इतनी बात उलझी हुई है कि यूनाइटेड नेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन आज तक एक टेररिज्म के डेफिनेशन भी ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाई। वो तो देखिए टेररिज्म के डेफिनेशन में यूनाइटेड नेशन का काम तो नहीं है ना, वो तो फिर लॉ, इंटरनेशनल लॉ कमीशन
बैठता है या फिर जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस पे डिबेट और डिस्कशन होती हैं, इंडिपेंडेंट ट्रीटी भी कर सकते हैं स्टेट्स आकर के। वो तो इसलिए है कि टेररिज्म एक बहुत ही कन्वोल्यूटेड कॉन्सेप्ट है, इतना आसान है नहीं टेररिज्म, और उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं और अलग अलग एक तरीके से समझिए उसमें ग्रुपिंग्स बनी हुई है। जैसे इस्लामिक देश हैं वो टेररिज्म को किसी और दृष्टि से देखते हैं, उनका टेररिज्म का मीन्स ही अलग है। वो कश्मीर को जैसे देखते हैं वो एक अलग तरीका है, कुर्दिस्तान को जैसे देखते हैं वो एक अलग तरीका है, बलूचिस्तान को जैसे देखते हैं वो एक अलग तरीका है, और आप तुर्कों को देखें, तुर्क तो आज की डेट में जहाँ बैठे हुए हैं, तुर्की जहाँ कंट्री है वो तुर्कों का तो नहीं है, उन्होंने अरबों की जमीन को हड़पा हुआ है और यूरोपियंस की जमीन को हड़पा हुआ है। तुर्क तो सेंट्रल एशिया के रहने वाले, तुम वहां क्या कर रहे हो? आप किसी और की जमीन पे बैठ के तुर्की नाम की कंट्री बना के बैठे हो, ये तो शराफत है यूके यूरोपियंस की, और ये शराफत है उनकी अरब्स की वेस्ट एशियंस की, अरब्स की, राइट कि वो आपको नहीं बोलते कि निकल जाओ, ठीक है ना? वरना आप देखिए इनकी तो स्क्रिप्ट ना रोमन ली है, स्क्रिप्ट रोमन ली है, जबकि इनका 95% ऑफ द या 90% ऑफ द लैंड मास जो है वो वेस्ट एशिया में पड़ता है तुर्की का, राइट इन्होंने ग्रीस के लैंड को हड़पा हुआ है। पॉइंट ये है कि भाई इस तरीके से कोई भी एक आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या इसके ऊपर लेकर के एक डिसएग्रीमेंट है, बट धीरे धीरे दुनिया जिस तरफ जा रही है उतनी दिन दूर नहीं कि आइडियोलॉजिकल फोर्स यूज ऑफ फोर्स को सारी दुनिया टेररिज्म पे एटलीस्ट तैयार है कहने के लिए। अब आप देखें अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा करके एक मैटर फाइल किया इसराइल के अगेंस्ट में कि इसराइल जो है वो जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 का वॉयलेशन कर रहा है। मजे की बात ये थी कि वॉयलेशन पेलेस्टाइन के अगेंस्ट में हो रहा था और इसराइल कर रहा था, तो पेलेस्टाइन तो आया नहीं, वो साउथ अफ्रीका चला गया, ठीक है ना? क्योंकि उनके लोगों का तो जेनोसाइड नहीं हो रहा था ना, हालांकि ये है जेनोसाइड कन्वेंशन आप पढ़ेंगे तो है कि कोई भी स्टेट आ सकता है। तो पॉइंट ये कि अब जिस तरीके से हम आप एक्शंस देख रहे हैं इसराइल का पेलेस्टाइन में, साउथ अफ्रीकन तो उसको वैसे नहीं देखते, वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं। उसी तरीके से अमेरिकन या रशियंस जो हैं वो जो एक्शंस हैं पैलेस्टीनियंस के उसको वैसे नहीं देखते। आप समझ रहे मेरी बात? सो बॉटम लाइन ये कि आइडिया ऑफ टेररिज्म दैट मींस वॉयलेंट यूज ऑफ फोर्स फॉर अ सर्टेन आइडियोलॉजी और सर्टेन पॉलिटिकल गोल्स, इस पे दुनिया की अंडरस्टैंडिंग उतनी यूनानिमस नहीं है या उतनी जिसे आप कह लीजिए वाइडर नहीं है। इस वजह से धीरे अभी वो शाई ऑफ करते हैं, लेकिन बट जो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, जैसे फ्रांस ने अभी एक मौलाना को जो कि ट्यूनिशिया से था उसको बाहर निकाला, जबकि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे वो जल्दी ऐसा करते नहीं है, मगर उसने फ्रेंच झंडे को ईविल कह दिया था तो दे सिंपली आस्क्ड हिम टू लीव द कंट्री। उसी तरीके से आप देखें जर्मनी में भी और इस जगह भी ये अब धीरे धीरे आ रहा है कि जो ये ग्रोइंग पैन इस्लामिज्म है इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना जरूरी है, उन्होंने तुर्की से इम्पोर्टेड इमाम्स को बंद कर दिया। तो अब धीरे धीरे अब इंडिया में भी जैसे मुझे लगता है कि ये जो तबलीगी जमात है या जो है इनके एक्शंस को कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं, इंडिया में उसकी कॉन्ग्रेगेशन होती है और हमें पता, तो आप इंडिया में रह करके इंडिया के ही अगर डिस्ट्रक्शन के सपने दिन रात देखोगे तो फिर वो कैसे होगा? अभी आपने देखा कि दारुल देवबंद ने कह दारुल दिया कि देवबंद राइट गजवाए हिंद जो है वो एक लेजिटिमेट एक्शन है। तो अगर आपने इतना भी नहीं समझा कि यूएन चार्टर ने बेसिक काम जो किया था कि यूज ऑफ फोर्स की जस्टिफिकेशन को आउटलॉ कर दिया, तो सही है आपको ये कहना चाहिए कि भाई जो हुआ वो गलत था, वो अब आज के बाद नहीं होगा। वरना आप समझिए भारत पे ये जो पिछले 700 साल से जो आक्रमण हुए हैं वो सिर्फ एक थ्योरी की वजह से हुए हैं कि देश गजवाए हिंद, वो इतनी लूज थ्योरी होगी कोई भी इस पर अटैक कर सकता है, चार लोग इकट्ठे हो गए उनको लगता है हम गजवा करने जा रहे हैं, उसको आप टेररिज्म कह लें या उसको आप हमारे यहाँ हिस्ट्री में पढ़ा दिया गया एडवेंट ऑफ इस्लाम। गजवाए हिंद को हमारे हिस्ट्री बुक में पढ़ाया गया एडवेंट ऑफ इस्लाम। एडवेंट ऑफ इस्लाम आप उसका अगर हिंदी तर्जुमा करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे या उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे या अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे, उसका उसका ट्रांसलेशन होगा गजवाए हिंद। बिकॉज क्यों उसी समय लोग आना शुरू हुए, उसके पहले तो नहीं आ रहे थे, आप समझ रहे मेरी बात? सही है बराबर इस थ्योरी से मोटिवेट होकर के आए ना।
तो अभिषेक जी, अभी भारत की जो इम्पोर्टेंस नेशनली इंटरनेशनली और एक हर एक फील्ड में जो आगे बढ़ रही है, राइट, फिर वो इकोनॉमी वाइज हो या फिर स्ट्रेटेजिक वाइज हो या हर एक फील्ड में जो भारत आज एक पोजीशन पर है कि वो लीड कर रहा है, ना सिर्फ अपने रीजन को बल्कि वर्ल्ड को, और एक डिफाइन भी कर रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो बिना भारत के और या बिना भारत के परमानेंट सीट के प्रेजेंस के हम यूएन को कोई एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देख सकते हैं? नहीं, देखिए, यूएन की रियलिटी और एफिकेसी पे क्वेश्चन आएगा। यूएन तो है राइट, ही, ये बिना परमानेंट के एग्जैक्टली, आगे एग्जिस्ट करता है और वो पहले आगे भी करेगा। पॉइंट है कि एफिकेशियस कितना हो गया, इफेक्टिव राइट, कितना हो गया, रिलेवेंस कितना रह जाएगा। आज की डेट में एग्जैक्टली, यूएन का क्या रिलेवेंस है, आप देख लें। हालांकि मैं यूएन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, बिकॉज की वॉर के आइडिया को इन्होंने बहुत हद तक दुनिया में पहुंचा दिया है कि दुनिया जो है वॉर को जस्टिफाई करना चाहती है, उसको राइट नहीं मानती है कि वॉर इज आवर राइट। ये अब कोई नहीं करता। राइट, सभी जो है ना, वो एटलीस्ट वो ये दिखाते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। हमें रशिया ने भी जो अटैक किया सेल्फ डिफेंस के नाम सेल्फ पे, ठीक डिफेंस, है ना, जो यूक्रेन भी अटैक कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पे कर रहा है। तो एटलीस्ट यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज अ लेजिटिमेट पॉलिसी गोल, कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम धावा बोल देंगे, ये माइंडसेट तो डेवलप करने में वो सक्सेसफुल हो गए कि यूज ऑफ फोर्स इज नो मोर अवेलेबल एज अ लेजिटिमेट मींस टू अटेन योर इंटरनेशनल पॉलिसी गोल्स, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई भी हो। अब उसमें एकाद एबरेशंस तो होते रहेंगे, एक्सेप्शंस होते रहेंगे, उसको हम आप नहीं रोक सकते। लेकिन ये कि बाय एंड लार्ज कंट्रीज ने वॉर को त्याग दिया है, और ये यूएन का सफलता है इसमें, ठीक है ना। एटलीस्ट जो उन्होंने यूएन चार्टर के थ्रू देशों में पढ़ाई पढ़ाई एजुकेशन पढ़ाया, लोगों को ये बताया कि भाई यूज ऑफ फोर्स इज नो मोर वैलिड, बिकॉज की यूज ऑफ फोर्स करके ही ना भारत में आए, जिसको एडवेंट राइट, ऑफ इस्लाम कर रहे हैं, एडवेंट ऑफ, एग्जैक्टली, एक को कॉलोनियलिज्म कह रहे हो, एक को कह रहे हो एडवेंट ऑफ रिलीजन। ऐसा क्या आके दे दिया भैया उस रिलीजन ने, हमें तो आज तक समझ ही में नहीं आया। ऐसा कौन सा हमारी जो है वो समझ बड़ी स्पेशल हो गई, सिवाय मार काट डिस्ट्रक्शन कॉलेज और इसके, भले तुम उसको कितना भी कम्युनिस्टियों के थ्रू कितना भी उस पर शहद लगा के झूठ बोल दो, सच्चाई ये है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑन इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट इन्वेजन दैट इंडिया हैज एवर सीन। और यहूदियों से भी ज्यादा, अगर किसी कम्युनिटी का प्रोसिक्यूशन हुआ तो वो हिंदूज है। विल डुरान की किताबें और कई ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी। राइट, और इस प्रोसिक्यूशन को तुमने जो है हिस्ट्री बुक से गायब कर दिया। यूरोप में और सब जगह पे एंटी होलोकॉस्ट लॉ है, कि कोई भी अगर होलोकॉस्ट को झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि ये हुआ नहीं है ना, तो वो पनिशमेंट मिलती है उनको, क्रिमिनल। इंडिया में आप पूछिए, या हिंदुओं को जो ये मारा गया उनके किसी भी वजह से मारा गया बाहर वालों के द्वारा, उसके बाद तुम बोलते हो कि अरे वो तो उस समय जो मंदिर तोड़े गए उसका काउंटर क्या है कि हिंदुओं ने बुद्धों का मंदिर तोड़ दिया। कोई बुद्धिस्ट तो आज तक बोला ही नहीं, जापानीज सही किताब में बात तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जापानीज से बड़ा तो बुद्धों पे रिसर्च करने वाला कोई साला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल बनारस सही में है, जितना पैसा जापान खर्च करता है, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वहां पे सारनाथ करके एक जगह है अशोका स्तूप का जो प्रिजर्वेशन, मैंने तो आज तक नहीं देखा साला किसी ने अशोका स्तूप को तोड़ने हाँ की कोशिश की। वो कब से है अशोका स्तूप, अशोका का बराबर, बनाया हुआ स्तूप आज तक है, तो उसमें होता ना कि भाई इसको इस वाले राजा ने आके तोड़ दिया उस वाले, वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये एक अलग ही मुसलमानों की थ्योरी है जो कम्युनिस्टों ने ढेल दी है इनको, कि सही हिंदुओं ने बौद्ध मंदिर तोड़े। हिंदुओं ने साला आज तक किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, यहूदी भी आए तो उनका जो सिनेगॉग है उसको प्रिजर्व कर लिया, बराबर, और आप हमको सिखा रहे हो कि, और कोई तो सोर्स बताओ यार, ये कम्युनिस्टों के अलावा उस समय का कंटेम्प्रेरी सोर्स बता दो, जापानीज का सोर्स बता दो। जापानीज की किताब में होगा ना, उन्होंने तो बुद्धिज्म पे बड़ा काम किया कि भैया हिंदुओं ने जो है बड़ा प्रोसिक्यूशन किया, वो रिकॉर्ड तो होगा कि बस ये डीएन झा और ये हबीब और ये लोग ही जो लिख देंगे वही हिस्ट्री है क्या? दुनिया को पता नहीं इन्होंने हिस्ट्री को, हिस्ट्री का एच नहीं आता ना, इनको लैंग्वेज आती है संस्कृत ना अरबी ना फारसी, उसके बाद ये दे हैव कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री और उसको हिस्ट्री करके पढ़ा दिया बच्चों को। सही इंडिया है, की सही हिस्ट्री तो ये होती है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हीरो होते हैं, और हमारी किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज को विलन करके दिखाया जाता है, उनको मराठा एग्जैक्टली, छोटा सा सरदार दिखाया जाता है, वो राइट, मराठियों के लिए लड़ रहे थे। जब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा तब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अनफ इज अनफ, नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड अप। ये बनारस तो यूपी में है, ये देवी अहिल्याबाई होलकर आके यूपी में क्यों मंदिरों का निर्माण करी थी, उनका कैलेंडर के एग्जैक्टली, अंदर आपको मराठी बिल्कुल मान, सही है,
और सर इसी इसी से रिलेटेड मैं एक और बात बोलूं, मैंने ये चीज मेरी बेटी के हिस्ट्री बुक में देखी कि उसमें मुगल्स को इतना ग्लोरीफाई किया गया और उनके लिए इतनी ज्यादा पेजेस और इतने ज्यादा चैप्टर डेडिकेट किए गए हैं, और वहीं शिवाजी महाराज कह लें या फिर महाराणा प्रताप कह लें, उनके लिए बहुत छोटी छोटी प्लेसेस उन हिस्ट्री बुक्स में डेडिकेट की गई है। तो ये बहुत एक गलत चीज है जो हमारे बच्चों को बताई जाती है। और जब मैंने मेरी बेटी को उन चीजों के बैकग्राउंड में चीजें बताई, उन्हें शिवाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, तो उसने कहा कि ये चीजें तो हमें स्कूल में हमारे हिस्ट्री बुक्स में बताई ही नहीं गई। ये और एक यही बहुत चीजें जब ये किताब पढ़ लेंगे ना, हमसे आपसे बड़े होकर वो करेंगे। अच्छा, टोटल मुगलों का साम्राज्य साला, वो भी पूरे भारत में ही था, छोटे से इलाके में था, ठीक है ना। टोटल मुगलों का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करें तो ये 1532 के आसपास शुरू होता है और ये आके 1680 में खत्म हो जाता है। उसके बाद तो जो हिंद भी साम्राज्य था शिवाजी महाराज का या मराठों का, उन्होंने तो मुगलों को किले में कर दिया था भाई। उसके हाँ बाद फर्रुख सियार को तो इवन अमर सिंह ने आ रहा था, उसकी बेटी से शादी किया था पहले, बाद में उन्होंने अटैक करके फर्रुख सियार से अपनी बेटी भी वापस ली और उसको भी मारा। तो पॉइंट ये है कि भाई मुगल का टोटल 1532 से शुरू होता है, बाबर के अटैक के समय से। उस समय पूरे भारत पे छा गया, ऐसा तो होगा नहीं भारत भाई। राइट कुछ कुछ पार्ट अकबर ने, ये 5-6 राजाओं को भारत का भविष्य निर्माता बता दिया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग बता दिया, और ये सारे इंडियन कल्चर से नफरत करते। तो इनको बता दिया ये इंडियन थे क्योंकि फलनवा की बेटी से शादी कर लिया था। मैं जर्मनी में जाके जर्मन लड़की से शादी कर लूं और कहूं कि जर्मन चर्च छोड़ दो, तोड़ दो, जर्मन भाषा बंद कर दो, जर्मन लोगों को मार पीट दो, यहाँ पे जब हिंदुज्म फैला दो, क्रिश्चियनिटी खत्म कर दो, इससे मैं जर्मन बन जाऊंगा। What will make me German? Not marrying a German girl, rather accepting the German culture, German language, German history, German traditions, German value system. जब वेद की किताब यहां पर थी तो तुमने वेद को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तुम तो कुरान की कसम लेते रहे। तुम्हारी सारी की सारी लॉयल्टी तो चूंकि तुम सेंट्रल एशियन थे तो वहां पे सल्तनत उस्मानिया, जिसको ऑटमन एम्पायर कहते हैं या उत्मान का एम्पायर, उस पे थे। तुम्हारी क्रूसेड में तुम्हारी वो थी, क्रूसेड के लिए मदद के लिए मुगलों ने पैसा दिया है। तो वेद बिल्कुल खत्म हो गया सही। उसके बाद, और भारत का जो निर्माता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद है। तो ये जो धोखा दिया है हमारे बच्चों के साथ इन हिस्ट्री लिखने वालों ने, और एक ऐसा माइंडसेट खड़ा किया हुआ है, और मैंने देखा ये एकेडमिया में छाए हुए हैं, दे हैव टेकन ओवर एकेडमिया। आपको वो इस अजीब अजीब सी, ऐसा नहीं है कि वो आप आओ मेरिट पे डिस्कस कर लो, भाई हम तो खुले में मेरिट में डिस्कशन के लिए चैलेंज कर रहे हैं। फैक्ट्स पे बात बिल्कुल करो, सही। तथ्य पे बात करो, आर्ग्यूमेंट्स पे बात करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे बात करो। नहीं करते हैं वो आपको पीछे से आपके अगेंस्ट में वो चला देंगे, ये प्लेजरिज्म करता है, ये देखो वो करता है, इसको सेक्सुअल अब्यूज में, इस टाइप की हरकतों में वो आपको फंसाते हैं। तो दे डोंट वॉन्ट टू टेक यू ऑन द मेरिट ऑफ द बेस, बट रादर दे विल स्टार्ट प्लेइंग गेम्स ऑन योर बैक। सही। ये बहुत बड़ा है, जो ये एक ये समझ लीजिए ड्रॉबैक है। कई लोग बेचारे चुपचाप रहते हैं, कौन भैया इनसे पंगे ले, और ये इतने वोकल है क्योंकि इनका हर जगह पे मीडिया पे आपने देखा संदेश खाली, और इसमें जो हुआ जी ये अगर किसी बिल्कुल और होता ना, ये इसका इंटरनेशनल कवरेज हो रहा होता। यही चीज अगर पश्चिम बंगाल के बजाय यूपी में हो रही होती तो फिर वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म भी स्टार्ट हो जाता और संविधान भी खतरे में आ जाता और डेमोक्रेसी भी बर्बाद हो चुकी होती। हिंदू खत्म, हिंदू मर जाए, फिनिश हो जाए, संविधान खतरे में नहीं आएगा यहाँ पे। साला यहाँ संविधान खतरे में हो सकता है, हिंदुइज्म खतरे में नहीं हो सकता। यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में आ सकता है मगर हिंदुइज्म खतरे में नहीं आ सकता। यहाँ लोकतंत्र ये संविधान ने बनाया है, 1950 के संविधान से हमारे यहाँ लोकतंत्र आया हुआ है। भारत का जो इस्लामी हिस्सा है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहां भी तो है संविधान, वहां लोकतंत्र क्यों नहीं है? सही बात भारत है। जब तक वैदिक मूल्यों से गवर्न होता रहेगा यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कस्टम और कन्वेंशन है भैया, हमको ये आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसलिए हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विश्वास करते हैं कि हमको एकम सत बहुधा विप्रावदंती पढ़ाया गया है बचपन में, इसलिए हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विश्वास करते हैं। आर्टिकल 25 जो है एकम सत बहुधा विप्रावदंती से ज्यादा पावरफुल है क्या? पाकिस्तान क्या में क्यों नहीं आ रहा है? वहां पे क्यों कन्वर्जन की फैक्ट्री खुली हुई है मुंह मिट्टू मियां, और ये कौन कौन है, ये लोग कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान है, और कुरान में कहता है कि कोई वो नहीं, सब एक ही दिन रहेगा इस्लाम का। तो वहां पे नहीं टॉलरेट करते हैं, ये हिंदू ही है ना वो जो नहीं टॉलरेट करते। उन्होंने खाली अपनी श्रद्धा एक बुक से हटा के दूसरे बुक पे कर दी,
बिल्कुल सर, तो जब से ही आपकी श्रद्धा उस बुक से गई, वहां कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का ही नहीं आ रहा डेमोक्रेसी, हैरान परेशान है, इलेक्शन पे इलेक्शन हुए जा रहे हैं, तो इलेक्शन से डेमोक्रेसी आती है? भाई जो मूल्य होते हैं लोकतांत्रिक, वो आपकी समाज में होते हैं। भारत का समाज लोकतांत्रिक है, भारत की आपकी जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज है वो लोकतांत्रिक है, वेद लोकतांत्रिक है। जब तक वेद लोकतांत्रिक रहेगा और लोग वैदिक नियमों से चलने वाले रहेंगे या वेद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते रहेंगे, वो लोकतंत्र भारत में हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल सही, बराबर सर, ऐसा ही है। सो आज का डिस्कशन हम यहीं पे पॉज करते हैं, और आज आपने समय दिया और इतनी डिटेलिंग में सारी चीज़ें बताई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करेंगे कि फिर से आपसे किसी न किसी टॉपिक पे बात करने का ज़रूर मौका मिले। आपका और आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया।